बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी के जन्मोत्सव का क्या महत्व है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जो प्राकट्य हुआ था वो चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, और चैत्र शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है वो इस बार 16 अप्रैल को है, उसी दिन हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना करने का प्रावधान है। देखिए, वैसे तो अगर आप देखें तो चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम का प्राकट्य होता है, राम नवमी मनाते हैं, और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का प्राकट्य होता है, हनुमान जी का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, विशेष पूजा करते हैं, विशेष प्रयोग करते हैं, और ऐसा करके हम अपने जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर कर सकते हैं। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर विशेष तरह के प्रयोग अगर आप करें तो आप अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। यानी अगर आप ग्रहों की बाधा से परेशान हैं, आपकी कोई दशा ठीक नहीं चल रही है, आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, तो हनुमान जी की उपासना आपके लिए फायदेमंद होगी। शिक्षा के मामले में, विवाह के मामले में सफलता के लिए, और कर्ज मुकदमे से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो हनुमान जी के जन्मोत्सव का जो दिन है वो अत्यंत विशेष होगा। अगर आपको शिक्षा में सफलता चाहिए, प्रतियोगिता में सफलता चाहिए, शीघ्र विवाह का वरदान चाहिए, तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर पूजा करिए। अगर आप मुकदमे से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, तो भी हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आपको विशेष पूजा करनी चाहिए। इस बार जो हनुमान जी के जन्मोत्सव का अवसर है वो 16 अप्रैल को है। 16 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और इसी दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ये तो हमने समझ लिया कि 16 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन इस दिन हनुमान जी की पूजा कैसे की जाएगी? देखिए, हनुमान जी की जो पूजा होगी वो अभिजित मुहूर्त में होगी। अभिजित मुहूर्त का मतलब मध्य दोपहर को 11:30 से 12:30 के बीच में हनुमान जी की पूजा उपासना करना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे आप हनुमान जी के जन्मोत्सव पर उनकी पूजा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन मध्य दोपहर में लगभग 11:30 से 12:30 के बीच में अगर आप हनुमान जी की पूजा करें तो वो सर्वोत्तम होगा। कैसे करेंगे पूजा? उत्तर पूर्व की दिशा में यानी ईशान कोण में एक चौकी पर या लकड़ी के पटरे पर लाल कपड़ा बिछा लें, हनुमान जी का चित्र रखें या मूर्ति रखें, साथ में भगवान राम का चित्र या मूर्ति भी आपको रखना है। हनुमान जी को लाल और भगवान राम को पीले फूल आपको अर्पित करने हैं। इसके बाद आप उन्हें भोग लगाएंगे, लड्डुओं का भोग लगाएंगे, और साथ में 2 तुलसी के पत्ते भी रख देंगे। लड्डुओं का भोग आपको हनुमान जी और भगवान राम को समर्पित करना है। अब आपके पूजा की शुरुआत होगी। देखिए, हनुमान जी की पूजा बिना श्री राम की पूजा के सफल नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। तो पहले भगवान राम की पूजा करेंगे, पहले आप भगवान राम के मंत्र का जप करेंगे, और भगवान राम का मंत्र है ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का पहले आप 108 बार जप करिएगा। इसके बाद फिर आप हनुमान जी के मंत्र का जप करिएगा, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः। जितने बार आप ओम राम रामाय नमः पढ़ेंगे, मान लिया आपने एक माला पढ़ा ओम राम रामाय नमः, तो आप एक माला पढ़ेंगे ओम हं हनुमते नमः। अगर आपने 3 माला पढ़ा है ओम राम रामाय नमः, तो आप 3 माला पढ़ेंगे ओम हं हनुमते नमः। दोनों मालाएं बराबर मात्रा में पढ़ी जाएंगी। इसके बाद आपकी जो भी प्रार्थना है,
वो भगवान राम से, हनुमान जी से आप निवेदित करिए, अपनी प्रार्थना कहिए, अपनी बात कहिए, उनको प्रणाम करिए और इसके बाद लड्डुओं का जो भोग आपने लगाया था उसको प्रसाद के रूप में लोगों में बांटिए। बहुत सरल सा तरीका है। दोपहर के समय में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, भगवान राम के साथ उनका जन्मोत्सव मना सकते हैं और ये करके आपकी जो मनोकामनाएं हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं।